बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मौजू कोई किसी खुराक पे कोई किसी किस्म की, यानी कि बकरों की ना, बकरों के मतलब कम है और दूसरा मौजू ज़्यादा है। कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि आपने चैनल छोड़ दी है, ये वीडियो का नहीं छोड़ दी है। ऐसी बात कोई नहीं है, कोई वीडियो बनानी नहीं छोड़ी, कोई चैनल नहीं छोड़ा। बस ये था कि अभी मेरे पास में, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास अभी बड़े बकरे नहीं हैं, ना भी आए हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा बड़ा बकरा। वो परचेज़ हो गया है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बड़े बकरे नज़र आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल से। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप था, शायद मैंने बताया हुआ था सारों को, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया व्हाट्सअप ग्रुप। कोई मेरा किसी गोल्ड एक्सपर्ट ग्रुप से अब ताल्लुक कोई नहीं है। दूसरे नंबर बात ये, कोई मेरा ग्रुप और कोई नहीं है व्हाट्सएप का किसी किस्म का भी, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल ही है। जब अगर कभी ग्रुप बना या बनाया तो इंशाल्लाह लाजमी आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो वो मैं वीडियो में बता दूंगा ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। ये ताकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सभी को बताना कि कोई और बंदा या कोई किसी किस्म का हमारे ना आपसे कोई ग्रुप बनाए तो ज़रा आप उससे वाइडी कीजिएगा, ठीक है। अब कई बंदों के माइंड में ये सवाल थे कि शायद जितना कुछ मैंने बताया है आगे, यानी कि जो बता दिया है बस वो ही है सारा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बेसिकली अब चैनल शुरू किया था तब मेरे ख्याल से बड़ी को 3-4 महीने रह गए हुए थे, तो मैंने वही खुराकें बताई जो 3-4 महीने लगेंगी खुराकें, अपना 5-6 महीने होंगे, यानी कि जल्दी जल्दी बकरे कवर कर दें, रिकवरी हो जाए बकरों की। देखें, बकरों की जो फील्ड है ना, बकरों की खास और बड़े बकरों की, आप कह सकते हैं समुंदर है। अगर कोई बंदा कहे ना कि इसमें पूरा हो गया है तो ऐसी बात ही कोई नहीं है, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि मैं पूरा हूँ, नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं। कोई भी उस्ताद किसी किस्म का भी हो जाए बकरों के फील्ड में, कोई भी, कहीं ना कहीं से मिस होता ही होता है, कोई थोड़ा मिस होता है, कोई ज़्यादा मिस होता है, भाई किसी ना किसी जगह से ना वो मिस हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बात में, अपने माइंड में ये बात बिल्कुल रखनी है कि तुम पूरे हो गए हो, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ना मैंने आज तक रखी है, ना जो मेरे उस्ताद ने रखी है, ना उनके उस्ताद ने आज तक ये बात अपने माइंड में रखी होगी। बेसिकली वजह पता है क्या है, अब छतरे को पालने का तरीका और है, देसी बकरे का तरीका और है, दुम्बे को पालने का तरीका और है, बकरी का तरीकाकार और है, हर चीज़ का सिस्टम अलग अलग है। अब अगर आप कहें ना कि अब चारों चीज़ों को इकट्ठा एक ही खुराक में पाल लें तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो ना कभी होना है, ठीक है। मैंने फोकस सारी वीडियोस पे यही किया है कि थोड़ी मेहरबानी खुदारा उन बंदे को बचो जो अपने ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बंडे शंडे, ये उनसे बचें। पर पता है क्या, मुझे ये लगे कि मैं सिर्फ कल्पे ही है फ़ायदा, यानी कि किसी ने सुनी है किसी ने नहीं सुनी। अब कई बंदे मुझे अभी भी वीडियो में बताते हैं, लो ये तूड़ी अब बकरों को, मैं उनसे पहला मेरा सवाल ही होता है उनसे, फ़ोन कॉल है ना, मैं बकरों मंडा ही पाल लगे तोड़ी चोकर ये वो, हालांकि इन चीज़ों से मैंने बड़ा मना किया है। जो मेन अथेंटिक बकरे पालने वाला बंदा है वो हमेशा आपको इन चीज़ों से मना करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ तो बाकी नहीं मना, जो बकरे पालने नफीस और अच्छे बकरे पालने वाला बंदा है वो आपको मना करेगा ही करेगा, ठीक है। हर खुराक का एक टाइम है, हर खुराक एक तरतीब है, ठीक है। अब मैंने बताई हुई थी कि अभी आप गंदम को गीला करके डालें, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी वंडा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मौसम गर्म है, जब मौसम ठीक हो जाएगा फिर वंडे चेंज कर लेंगे, उसमें गर्म चीज़ें भी है, हालांकि गंदम भी गर्म ही है, पर उसे भुगोते में इसलिए ताकि उसकी तस्वीर ठंडी हो जाए, समझने वाली बात है ना। अब बकरे बेसिकली हमने बकरों को ना, आप अपने बकरे को समझना सीखें, समझें उसे कि वो आपको से क्या चाह रहा है, किस तरह की खुराक मांग रहा है वो आपसे। हम पता है हमारा जहन यह कि यार जल्दी जल्दी बकरा बने, नहीं, एक पेंडा सब्र है, सब्र से बकरे बनते हैं, ऐसे एकदम बकरे नहीं बनते हैं। अब ये होगा कि मेरे पास कल या परसों इंशाल्लाह बकरा आ जाने, तो मैं आपको ना उस बकरे की तरतीब से बताऊंगा कि बकरे को किस तरह हम किस लेवल का किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मेरे साथ बकरा आया आंदे साथ ही मैं उन्होंने तेल भी शुरू कर छड़े, वंडे भी शुरू कर छड़े, दुध पियो, दही पियो, ये करो वो करो, वो ये इस तरह नहीं, तरतीब से। अब बकरे के मिजाज के मुताबिक, अब हर बकरे का मिजाज एक जैसा नहीं। अगर जिस बंदों ने 4-5 बकरे इकट्ठे रखे उनको पता होगा, कोई बकरा खुराक थोड़ी लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई नहरे करता है, कोई नहरे नहीं करता, हर बकरे का मिजाज लेता है।
हर बकरे ने तुम्हें नौवे इम्तिहान च पाना है, गल मेरी जेहन च रखी हो, ठीक है ना, हर बकरे ने। अब आप कहें ना कि सारे बकरों का जेहन और सारे बकरे एक जैसे ही हों, हूँ तो बकरा बड़ा वंडा खाना मेरा भी खावे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मजाज सब का लहजा लहजा, हर बकरे ने आपको नए इम्तिहान में डालना, ये पक्की बात है, 100% 100/100, ठीक हो गया। अब जो होगी बात बकरों की, दूसरे नंबर पे अब कई हमारे चैनल पे भी वीडियोस आ रही हैं, मैंने देखी हैं 3-4 के, बस बिलाल को एनई सी, एनई हो गया भाई, बस हो गया। मैं बस उन्होंने ये कहूँगा कि बस बुस को नहीं होया, अरे तो बस आई भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये बात जेहन में रखें, अभी तो आप ये देखें कि अभी हमने अगर 20 सीढ़ियाँ ना, 20 स्टेप सीढ़ियों के, तो असि ऐसे 2 स्टेप भी नहीं चढ़े हैं, ठीक है ना। तो अभी हम 2 स्टेप भी ऊपर नहीं गए, जैसे 18 स्टेप पीछे पे हैं, बल्कि 18 से भी ज़्यादा बार हम एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई मैं वीडियो से दूर नहीं हुआ, इंशाल्लाह जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा। तो सभी के कॉलों के जवाब दूँगा, सभी के व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, सभी के जवाब दूँगा। पर क्या है, अगर किसी टाइम मिस हो जाता हूँ तो उसका गुस्सा ना किया कहने, पता है क्या, हर बंदे के पास कोई ना कोई मसरूफियात सार हो गई हैं, ऐसे भी मेरी हैं, तो कोई दिल पे बात ना लिया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब तो टाइम आया ना, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अब तरतीब से हम बकरे बड़े बकरे को किस तरह रूटीन पे और किस तरह ट्रैक पे उसको लेके जाना है, वो सारी वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह हर 5-10, 5-6 हफ्ते के अंदर, यानी कि एक हफ्ते का टारगेट रखेंगे हम, एक हफ्ते बाद दूसरी वीडियो, नेक्स्ट हफ्ते दूसरी वीडियो, हफ्ते हफ्ते बाद वीडियो का टारगेट होगा, ठीक है ना, इस तरह चलेंगे इंशाल्लाह। तो कोई किसी की बातों शातों पर नहीं जाए, जिस तरह बकरे पाल रहे हैं ऐसे ही पाल लें, रिजल्ट आपको करके ना एकदम मिले वो कोई नहीं मिलने, और आगे देते रहें इंशाल्लाह। मार्च फरवरी जब नेक्स्ट गर्मियाँ शुरू होगी तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, स्टोर करने का टाइम आ गया है। लोग कहते हैं कि बकरों को गर्मी में खुराक ज़्यादा खिलाएं, सर्दियों में कम, पर साड़ी रूटीन और ने असी बकरियां सर्दियों खुराक ज़्यादा लानी है ताकि गर्मियों के फौरी तौर चाहिए रिजल्ट मिल जाए, ठीक हो गया। ऐसी खुराक का नागा ना करें, ठीक है, जो उसी खुराक बताइए तरतीब उसी तरतीब से चले, नागा ना करें खुराक का, तो इंशाल्लाह बकरे बड़े अच्छे बनेंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, ये आज इसलिए बनाई है कि ताकि सारों को, मुझे बड़े मैसेज, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आ गई है तो दूसरे नंबर पर ग्रुप का पता है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। पहले जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं मेरे से चैनल बनाने के बाद, अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलतियाँ ना हो, क्योंकि कोई बंदे ऐसे होते हैं कि वो बंदे को ईजी ले जाते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, बकरों को दाना, पट्ठे, दूध, तेल, ये 4 चीज़ें आप फिक्स रखें, इंशाल्लाह बकरे ऑटोमेटिक ही फलने फूलने शुरू हो जाने हैं। ये दिन अब 2-3 महीने लोगों को खिलाते हो गए हैं, नेक्स्ट आगे भी इंशाल्लाह गर्मियों में स्टोर करें, सर्दियों में ऑटोमेटिक आपको उसके, सॉरी गर्मियों में गिरी अब आएंगी उनको ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरी किसी बात अगर गुस्सा लगा हो तो काइंडली ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि फटाफट आपको पता लग जाए कि वीडियो चढ़ गई है, ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी।